2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में नए नए बने महागठबंधन की साझेदार आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताना शुरू कर दिया है। साथ ही तेजस्वी की महत्वाकांक्षा भी हिलोरे मार रही है। इसी बीच जदयू ने 3 और 4 सितंबर को पार्टी की प्रदेश और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली, अपनी क्षमता के दम पर अपनी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। इससे पहले भी उन्होंने विभिन्न पदों को संभाला है, चाहे वो सांसद के रूप में हो, केंद्रीय मंत्री के रूप में हो। हमारी पार्टी के लोग, बिहार की आम जनता, विभिन्न दलों के नेता इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। यही बातें तेजस्वी यादव जी ने भी कही है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर सभी विपक्षी दल नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एक साथ एकजुट लामबंद होते हैं तो निश्चित रूप से 2014 वाले 2024 में कभी नहीं आएंगे। अचानक राजद को भी नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल नजर आने लगा है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार तो मिशन 2024 पर हैं, लेकिन नीतीश के इस मिशन में तेजस्वी यादव का अपना मिशन है। तेजस्वी यादव दिल्ली में सोनिया समेत कुछ नेताओं से पहले ही नीतीश कुमार की पैरोकारी कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्हें विपक्ष का पीएम योग्य दावेदार बताकर अपना मिशन भी जाहिर कर दिया है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली कूच करेंगे, तभी तो छोटे सरकार यानी तेजस्वी यादव बड़े सरकार बन पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं प्रधानमंत्री पद के लिए वो योग्यता और क्षमता है, और विपक्ष की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, ये बात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है संसदीय लोकतंत्र का, वो जग जाहिर है, और जो आज देश की परिस्थितियां हैं उसके सामने सभी विपक्षी पार्टियों को आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा और विश्वास होगा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार ही नहीं होंगे, प्रधानमंत्री पद पर आसीन भी होंगे। इधर बिहार में सत्ता से बाहर बीजेपी भी नीतीश कुमार के इस मिशन 2024 पर कह रही है कि पीएम पद की जब कोई वैकेंसी ही नहीं है तो नीतीश कुमार की दावेदारी भी बेवजह ही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज तक सीएम मटेरियल ही नहीं बन पाए तो पीएम मटेरियल कहां से होंगे। 2010 की तरह इनका कीड़ा काटने लगा पीएम मटेरियल। आज तक सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए। जब मैं ये कहता हूँ तो जिम्मेदारी से कहता हूँ, इतने साल सीएम रहे लेकिन सीएम मटेरियल अपनी पार्टी के अकेले पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार ओथ लिए लेकिन 1 बार भी अपने से अपनी सरकार नहीं बना पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सीएम मटेरियल तो है ही नहीं, पीएम मटेरियल कहाँ से बने। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या नीतीश कुमार जिस सपने के लिए पाला बदले हैं, क्या वो पूरा होगा। कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए साझा उम्मीदवार की नीतीश की दावेदारी का मिशन एक उफनते दरिया को पार करने जैसा है।